हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एला ऑनर। सो फ्रेंड्स, आज सेसन में आम डिस्कस करने जाऊँ आम बीएड रिगार्डिंग्स। तो जमीती कि बहुत पिलांकर आमर क्वेश्चंस थिला कि आमर कौन ना आमर जो बीएड एग्जाम होई छी, ठीक अच्छे। तो बहुत पिला एबे आमर कमेंट करूथले, मेसेज भी मध्य करिसेंती जे डाउट रही जो आमर बीएड एग्जाम होता जे तार स्लाइड अप लिस्ट केबे आसीबो, प्रथम कथा, ठीक अच्छे। तो स्लाइड अप लिस्ट केबे आसीबो, देन बहुत पिलांकर क्वेश्चंस रहूछि कि आमर स्पोर्ट्स सिलेक्शन एथर हम कि ना। ओके, तो जमीक मुझ सबुथर मानने डिस्कस कराई भिडियोज मानक आम चारिथर सिलेक्शन हम, ठीक अच्छे। जे एथर आम चारिथर सिलेक्शन हाँपी जा तो बहुत पिलांकर कमेंट रोचे कि आम स्पोर्ट्स सिलेक्शन हम कि। ओके, तो सही कथा। तापरे थर्ड कटअप रिगार्डिंग टिके डिस्कस करिवा, देन नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स केते रही आम कौन। ओके, तो कौन केते वैकेंट सीट्स रही डिटेल डिस्कसन करवा। सो वीडियो को पूरा देखते आप सब इनफॉरमेशन पाई पारे। ओके, तेज चलो तो स्टार्ट करिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपड़ी कहवापी जी आम सेकेंड सिलेक्शन केबे आसुची, तो सेटा तो विषय समस्त को सॉरी थर्ड सिलेक्शन, कहीं सेकेंड सिलेक्शन तो आम ऑलरेडी आसी सारी। तो थर्ड सिलेक्शन केबे आसीबो सेटा तो समस्त को जाना थी, जोटा कि मुझे ऑलरेडी जे आमंकर 20 तारीख रे एटा आपनकर आसीबा जाउची कोन ना थर्ड सिलेक्शन लिस्टा। ओके, तो आपनकर थर्ड सिलेक्शन केबे आसीबो ना आपनकर 20 तारीख रे आसीबा जाउची। ओके, जो थर्ड सिलेक्शन 20 आसूँ तेल आम स्लाइड अप लिस्ट के स्लाइड अप लिस्ट मैंने सेकेंड सिलेक्शन रे एडमिशन होगा पर। ओके, सेकेंड सिलेक्शन रे एडमिशन होगापर जो मैंने भी स्लाइड अप अप्लाई करें, ठीक अच्छे। स्लाइड अप निजक अप्लाई करने पड़े जोटा कि मुझे प्रीवियसली भी आपँ हाँ कि आप लॉगिन करके स्लाइड अप करेंगे, देन आपर जो मैंने भी करके आसना से ही 20 तारीख दिन ही आसो, ठीक अच्छे। से ही 20 ही, ओके, 20th ही आपंकर माने काली, ठीक अच्छे, माने काली आपनकर स्लाइड अप लिस्ट आसीबो, ठीक अच्छे। ता सहित स्लाइड अप लिस्ट ता सहित आपनकर सेकंड सॉरी थर्ड सिलेक्शन लिस्ट। ओके, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आपनकर आसीबो, बुझिहला। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट ता सहित जो माने भी सेकंड सिलेक्शन पर स्लाइड अप अप्लाई करथिले तांकर लिस्ट मध्ये आपनकर आसीबा पई जीवो। एबे बहुत सारा क्वेश्चंस रहउछि कि सर मु थरे तो स्लाइड अप करथिली आउ थरे करि परिबि कि, बहुत पिलांकर क्वेश्चन रहउछि। धारा जो मु फर्स्ट सिलेक्शन रे स्लाइड अप पई अप्लाई करथिली, स्लाइड अप पई अप्लाई करथिली तो मोर स्लाइड अप रे आसीला नै, ठीक अछि। स्लाइड अप रे आसीला नै, ठीक अछि। तो मु सेकंड सिलेक्शन रे करि पारिबी कि, सेकंड सिलेक्शन रे स्लाइड अप करि पारिबी कि, किंबा जदि मु सेकंड सिलेक्शन रे मु स्लाइड अप पई अप्लाई करथिली तो मोर किछि आसीला नै, को कॉलेज भी आसीला नै। सेही केस रे मु थर्ड सिलेक्शन हे सिलेक्शन परे स्लाइड अप पई अप्लाई करि पारिबी कि, ताले यारो आंसर होउछि यस। तो आपण जेते थोर चाहिबे सेते थोर आपनकर कौन ना स्लाइड अप अप्लाई करी पारिबे, सेथिरे किछि भी बर्डन ना। ओके, तो जो जेतेबेले आपनकर सिलेक्शन हो आपन फाइनली देखंथु आउ बार बार मु कहे से कथा आपनकर स्लाइड अप जदि आपन अप्लाई करूचंती, स्लाइड अप अप्लाई करूचंती आउ आपनकर कोनोसी भी गोटे कॉलेज रे सिलेक्शन आसुची। ओके, आपन जो जेतिको भी कॉलेज देइथिबे, धरा जो आपनकर 1 2 3 4 5 5 नंबर कॉलेज रे हेइची तो आपनकर आसीला 3 नंबर किंबा 2 नंबर कोउटा भी आसी पारे। सेमती माने नै कि आपन कहबे कि मु चाहुथिली 1 नंबर रे हे जाउ बट सेठी हेलानी मोर 3 नंबर रे हेला तो मुझ जीवी एडमिशन होगा। तो सेमती कही पारे आप स्लाइड अफ्रे सिलेक्शन है आपको जीवाई ही पड़ो एडमिशन। ओके, तेणु एडमिशन जीवाई पड़ो जो भी हो तेनाली भाभी चिंती अप्लाई करेंगे, तेना जो आपड़ जिते थर चाहिए सेते थर आपन को स्लाइड अफ करेंगे। आपको चाहिए ये जाणी रखु आपंकर आउ गोटे ही चान्स अच्छे स्लाइड अफ गोटे ही चान्स मैंने आपको थर्ड सिलेक्शन एवं आसो काली आसो थर्ड सिलेक्शन 20 रे तो आपंकर थर्ड सिलेक्शन पर आपको स्लाइड अप आउ थे ही चान्स मिलो। ओके, तो स्लाइड अप आपको जितेबाला आसो थर्ड सिलेक्शन पर आपको आउ थे चान्स मिलो समस्त को केवल स्लाइड अप पा नुह समस्त आपको चान्स मिलो कौन ना आपको स्लाइड अप करने समस्त चान्स मिले। ओके, तो आप चाहिए स्लाइड अप करेंगे आईटा हूँ लास्ट चान्स स्लाइड अप्र स्लाइड अप रो लास्ट चांस होटा यापर आपको आज चान्स मिले ना। बहुत पिला कह फोर्थ सिलेक्शन अच्छी तो फोर्थ सिलेक्शन पर कौन आम स्लाइड अप करूँ तो यार आंसर हूँ ना फोर्थ सिलेक्शन आम हूँ लास्ट सिलेक्शन, ठीक अच्छे। तो लास्ट सिलेक्शन रोचे फोर्थ सिलेक्शन तापर आम सिलेक्शन आसो ना तेणु आपंकर यहाँ हूँ लास्ट स्लाइड अप चान्स रही आपंकर यहाँ थर्ड सिलेक्शन आसी सारापर तर एडमिशन हे तेन एडमिशन टाइम पर आपको दि जाए जेनराली डेट भी दिखाई के स्लाइड अप करेंगे सेटा भी देखेबी। तो से डेट भितर आप चाहिए स्लाइड अप करेंगे आईटा हूँ लास्ट चान्स यापर आपको चान्स मिले ना स्लाइड अप, ठीक अच्छे। यापर आज चान्स मिले ना स्लाइड अप जो मैंने भी करने चाहते यही थर करने तो के देखते सही विषय तो जानते आप प्रायत तथा जब कहीदेवी थर्ड सिलेक्शन आपको 20 आसो
देन 21 रु 23 तांकर एडमिशन पई टाइम दिया है ठीक अच्छे एडमिशन पई केबे केबे ना 21 रु 23 तो काली आपनकर 2टा बेले आसी रिजल्ट ओके रिजल्ट पब्लिश हो 2टा बेले देन 21 रु 23 जाए आप रो कौन ना स्लाइड अफ एडमिशन आउ से 21 रु 24 जाए रहा स्लाइड अफ ठीक अच्छे जो मैंने भी स्लाइड अफ करने चाहती से 21 रु 24 भितर स्लाइड अफ करें ठीक अच्छे बुझेगा यहीटा रही है लास्ट टाइम ठीक अच्छे यहाँ शेष थर पर आपंकर चान्स रही जोटा कि आप स्लाइड अफ करेंगे या पर आउ स्लाइड अफ करेंगे ना तेणु जो जो मर भी करार अच्छे आप भितर करने ठीक अच्छे देन आप जहाँ भी प्रोसेस रेसब तो रोने थर्ड सिलेक्शन पिला पुणी स्लाइड अफ करेंगे एडमिशन देन आपर फाइनाली फोर्थ राउंड सिलेक्शन के देखते आपंकर 29 तारीख दिन 2टा बेले आप फोर्थ मानने लास्ट राउंड जोटा तार सिलेक्शन आसो देन 31 रु 2 जाएर एडमिशन रो 31 रु 2 जाए देन 31 रु 2 जाए आप कौन फोर्थ राउंड सिलेक्शन जो मैंने भी एडमिशन है डाटा अपलोड हो सामसे ठीक अच्छे बुझेगा तो ये देखो फोर्थ सिलेक्शन पर आपंकर आउ एडमिशन ना कि स्लाइड अफ एडमिशन डेट दि जाए आप देखते 11 नंबर आप फोर्थ राउंड सिलेक्शन डाटा अपलोड करागला देन आप स्लाइड अफ डेट भी दिहनी किंवा आपंकर कौन एडमिशन स्पॉट एडमिशन किसी मेंशन भी नहीं तेनाली बहुत पिला पचार कि आम स्पॉट एडमिशन एथर हम कि यार आंसर होची आमर ना ठीक अच्छे स्पॉट सिलेक्शन एथर आपंकर हम ना ठीक अच्छे स्पॉट सिलेक्शन आपंकर एथर हम ना प्रथम कथा जापारे सहित बहुत पिला पचारा तो फेज वन एडमिशन चली तो आम फेज टू एडमिशन हम कि तो यार आंसर होची ना ठीक अच्छे आप फेज टू एडमिशन हम ना कहीं कहीं आप नोटिस देखिए आप क्लीयरली मेनसन अच्छे देखते फोर्थ राउंड ऑफ सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज द लास्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फेज वन ये फेज वन देखिक पिलाने भावुंत आउ थे प्राय आसपे तो सेमती किसी भी आसवन जिते दूर आमको लगुच टोटल सिलेक्शन हेनी ये फोर्थ राउंडटा ही आपंकर लास्ट राउंड सिलेक्शन ठीक अच्छे ये लास्ट राउंड आम फोर्थ सिलेक्शन जो आसटा हो लास्ट राउंड सिलेक्शन यापर आप सिलेक्शन आसो ना ठीक अच्छे तेणु फोर्थ राउंड सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज लास्ट राउंड सिलेक्शन फॉर फेज वन एडमिशन नो स्लाइड अप ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड इन लास्ट फोर्थ राउंड सिलेक्शन ठीक अच्छे आपंक जो मैंने भी फोर्थ राउंड एडमिशन हे फोर्थ राउंड सिलेक्शन पर एडमिशन पर आपंकर आउ स्लाइड अप आपको ऑप्शन दिया जाइबो ना बुझेगा तो आपंकर आउ स्लाइड अप आपको ऑप्शन मिलना तेणु जहाँ करेंगे आपंकर थर्ड सिलेक्शन एवं जो आसो काली आपंकर जो थर्ड सिलेक्शन आसवाप जाऊँगी तो काली परे आपको स्लाइड अप जो ऑप्शन मिलो जो मैंने भी चाहिए से स्लाइड अप करने कहीं यापर आपको चान्स मिलना तो सहीटा कहुच देखो तो ये फोर्थ राउंडा को आम फेज वन लास्ट सिलेक्शन कहु तो आपंकर मे भी जब अधिक टी सीट वैकेंट रहा ओके 50-100 भितर जदि सीट वैकेंट रहुछि सेही केस रे मे बी सेमाने स्पॉट एडमिशन पई अलाउ करि पारंती ओके मे बी सेमाने नोटिस काढिबे मे बी गवर्नमेंट डिसीजन ना सेथिरे त आमे किछि करि पारिबानी तो स्पॉट एडमिशन पई जदि सेमाने किछि भी नोटिस काढुचंती सेही केस रे मे बी हेइ पारे ओके बट आपनकर देखंतो एटी क्लियरली मेंशन अछि जे फोर्थ राउंडटा हमरो फेज 1 रो लास्ट एडमिशन तेनु किछि कहि होबनी तो वर्तमान जदि अनुसार देखिबा ई जो नोटिस अनुसार जे आपनकर कोन ना स्पोर्ट सिलेक्शन किसी भी नोटिस ना तेणु आम धरिकी चलवा तेना धरिकी चलवा कि आम स्पॉट एडमिशन हम ना ठीक अच्छे आदि आसो ताल तो भल कता आपको मुझे जनई देवी जदि स्पॉट एडमिशन होके से कैसे आपको मुझे जनईदेवि बट आप नोटिस अनुसार जब देखा जोटा कि इश्यू कराई तो आम टोटाल 4टा ही सिलेक्शन हम आईटा ही आम लास्ट रुझेगा स्लाइड अफ लिस्ट भी आपंकर काली ही आस बुझेगा तीन टा कथा नेक्स्ट जिनस आम जाए आम कट ऑफ रिगार्डिंग तो कट ऑफ रिगार्डिंग मुझे ऑलरेडी वीडियो करी जे आपंकर तेणु बहुत पिला तथापि तो मेसेज कर सर मोर एतिको मार्क अच्छे मोर हम कि नहीं मार्क मुझे रखी 0.25 कम अच्छी तुम तो थर्ड सिलेक्शन हेब कि नहीं तो सब आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी से कट ऑफ रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो मुझे कर सारी तेणु आप चाहिए से वीडियोटा को देखने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक देदेवी किंवा आप वीडियोज लास्ट देखिए आपंकर पॉपअप हम वीडियोटा तो तारी उपरे क्लिक करके आप देखिपारे ओके तो ये थी आपंकर कौन कट ऑफ रिगार्डिंग कट ऑफ रिगार्डिंग डाउट क्लियर है मुझे ऑलरेडी डिस्कस करें आपड़ोटा देखने ओके देन आप देखो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स जे आम थर्ड सिलेक्शन केतेटा सीट्स वैकेंट अच्छे ओके तो या विषय में ऑलरेडी वीडियो रे डिस्कस कर सारी तथापि मुझे जब कहीदेपी चाहिए देखो टोटाल आम बीएड के टोटाल देखा बीएड आम टोटाल 2150 सीट हाँ कि नहीं जो थी कि टोटल सीट्स आमर रहा 2150 जो थी कि फास्ट सिलेक्शन रे आमर केते वैकेंट रहा ठीक अच्छे वैकेंट केते रहा फास्ट सिलेक्शन एडमिशन सरलापर आमर केते सीट्स वैकेंट रहा ना 510 पाखापाखी आमर सीट्स वैकेंट थिला ठीक अच्छे
ଠିକ ସେଇଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନର ଆଡ଼ମିସନ ପରେ ଆମର କେତେ ଖଣ୍ଡେ ସିଟ୍ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 233ଟା ଆମର ସିଟ୍ସ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ପରେ। ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ ବିଏଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଆସିବ ବିଏଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କର, ତାଙ୍କର କେତେଟା ପିଲାଙ୍କର ଆସିବ ନା 233ଟା ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 233ଟା ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ ବିଏଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଏଡ଼୍ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ 233ଟା ପିଲାଙ୍କର। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେଟା, ଆମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କେତେ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ କେତେ ରହିଛି ନା ଟୋଟାଲ 33ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 200ଟା ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲି କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହୋଇଗଲା, ଓକେ। ତ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରାହୋଇଛି, ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂସ୍ ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ କି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ହେବ କି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ କେବେ ବି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଏଡ଼୍ ପିଲା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପିଲା କଥା ଯଦି କହିବି, ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 33 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ସ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କର 33ଟା ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ସ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ବିଏଚ୍ଇଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏଚ୍ଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ତ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେକେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଏଚ୍ଇଡ଼ିରେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ହିଁ ସିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ନା ଗୋଟେ ହିଁ ସିଟ୍ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି ବିଏଚ୍ଇଡ଼ି ପିଲାଙ୍କର, ଓକେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଏଚ୍ଇଡ଼ି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଜଣେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ, ବୁଝିହେଲା। ଏମ୍ଏଡ଼୍ରେ 33, ବିଏଡ଼୍ରେ 233, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଚ୍ଇଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ସ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏ ଥିଲେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମର କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାଲି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କାଲି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ଓକେ। ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ, ତ ବହୁତ ପିଲା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଧରାଯାଉ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଓକେ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ ପିଲା ଯଦି ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ପରେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ କରିଛି, ତା'ର କ'ଣ ନା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଗଲା, ସେଇ କେସ୍ରେ ସିଏ କେମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବି ହେବ ସେ କେମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ କେମିତି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ରେ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବ, ଓକେ। ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ସହ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଏଲ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ସାମ୍ସର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ତା ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବା ଆପଣ ସିଏଲ୍ସି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଏବେ ରହୁଛି ପଇସା କଥା। ତ ପଇସା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିବେ ସେଇଠୁ କଲେଜବାଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କଲେଜକୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ କଲେଜ ସହିତ, ସୋ କଲେଜ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ, ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧର ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ରେ ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା କଲେଜକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ପେ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକ ବି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପେ କରିଛି, ତ ମୋ ପଇସାଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ନା ମୋତେ ଯାଇକି ମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲି ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବା ଫିଜିକାଲି ମୋତେ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଲେଜରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ଆପଣ କଲେଜକୁ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ସାର୍ ମୋର ତ ଅଲଗା କଲେଜରେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଦେବେ କି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିନେବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ଆଉ ରହିଲା ସିଏଲ୍ସି ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ୱରିଡ଼୍ ହେବେନି। ସିଏଲ୍ସି ନ୍ୟୁ ସିଏଲ୍ସି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ସିଏଲ୍ସିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଥାର୍ଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ବହୁତ ହି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତଥାପି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଓକେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।